उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इस बार काश्तकारों की कड़ी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अल्मोड़ा जिले में पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं होने से काश्तकारों के सामने संकट पैदा हो गया। आलम यह है कि बारिश नहीं होने से जनपद के 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई रबी की फसल प्रभावित हुई है। बारिश नहीं होने से रबी की गेहूं, जौ, मटर, आलू के अलावा मसूर, राई और सरसों की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नमी की कमी के कारण पौध जड़ नहीं पकड़ पाए हैं। जो पौध जम भी गए हैं उनकी लंबी अवधि के सूखे और पाले के कारण उत्पादन क्षमता घट गई है। खासकर असिंचित क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। अल्मोड़ा जनपद में अभी रबी के अंतर्गत किसानों के द्वारा जो है वो गेहूं, सरसों, मसूर, तोरिया, विभिन्न तरह की जो सब्जी और फलों इत्यादि को लगाया गया था, लेकिन हम वर्तमान में देख रहे हैं कि बारिश न होने की वजह से काफी समस्याएं आ रही हैं किसानों के पास। तो जिन ब्लॉकों में, जिन गाँव में जो है सिंचाई के साधन है, सुविधाएं हैं, वहां तो सिंचाई हो जा रही है, लेकिन जहां पर जो हमारी खेती है मुख्यतः जो वर्षा पर आधारित है वहां पे काफी समस्या आ रही है हमें। अभी पिछले कुछ दिनों में बारिश तो हुई लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो खेती के लिए पर्याप्त है। तो हम इसी उम्मीद में है कि अभी बारिश हो और फिर हमारे किसानों को जो है वो उनकी फसलों की सिंचाई अच्छे से। लगभग कितने हेक्टेयर में जनपद की अगर बात करते हैं? जनपद में अभी 44,000 हेक्टेयर में जो है फसलों की, विभिन्न फसलों की बुवाई हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश नहीं होने से असिंचित क्षेत्रों में फलों का जमाव ही अच्छी तरह से नहीं हो सका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो असिंचित क्षेत्रों में फसल को भारी नुकसान हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।